ट्रिल पे पीछे मत लगो एक चीज के, कैसा लगा तेरे को मेरे को मिलके, निकलता सीधा मेरे क्योंकि देयर इज नो सिक्योरिटी, आई स्टिल लिव इन द गली। तो टक 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 करके आएंगे और मेरे को बोलते करके, नहीं तुमको सिर्फ देखना था। बोला क्या कर रहा है ब्रो, मैं सो रहा था, तू मेरे को उठा के मेरे को बोल रहा है कि सिर्फ तेरे को देखना था। डिवाइन रैपर विद 20x एंड 30x प्लैटिनम सर्टिफिकेशन, फर्स्ट इंडियन रैपर जो हमें न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड में देखने को मिले थे। अप्रॉक्स 2 साल से डिवाइन ने कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट ड्रॉप नहीं किया है। Still, he has 2.2 million monthly listeners on Spotify right now. Now, the question is, Divine है कहाँ पे? क्यों वो इतने साल से unactive है? Divine का जो last project था, वो हमें December 2020 में देखने को मिला था, और उस album का नाम था पुण्यपाप। उसके बाद हमें उस album के कुछ music video देखने को मिले। Divine ने अपने last birthday पे एक free verse drop किया, और बीच बीच में हमें कुछ डिवाइन की फीचर ट्रैक देखने को मिले। सो डिवाइन ने दिसंबर 2020 से कोई भी नया सोलो ट्रैक ड्रॉप नहीं किया है। डिवाइन के साइड से ना ही कोई मिक्स टेप देखने को मिला है, ना ही डिवाइन ने कोई ईपी ड्रॉप करी है। और डिवाइन जो अपने अगले एल्बम पे काम कर रहे हैं, उसका भी अभी तक हमें रिलीज डेट, ऑफिशियल रिलीज डेट डिवाइन के साइड से नहीं बताया गया है। सो वी विल डिस्कस ऑन दिस इन दिस वीडियो। कैसे डिवाइन जब म्यूजिक बिजनेस की बात आती है तो बाकी इंडियन रैपर्स से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। डिवाइन जो है वो अपने प्रोजेक्ट म्यूजिक लेबल के थ्रू रिलीज करते हैं, एंड ही इज द ओनली इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट जो म्यूजिक लेबल के बेनिफिट को पूरी तरह से यूटिलाइज करते हैं। पिछले कुछ सालों में डिवाइन को हम लोगों ने मल्टीपल आर्टिस्ट के साथ स्पॉट किया। वो एपी डिलो के साथ देखे गए, एमसी स्टैन के साथ भी रिसेंटली देखे गए थे। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के साथ अपने अपकमिंग एल्बम में कोलैबोरेशन की बात की, और इसके साथ और भी कुछ आर्टिस्ट के साथ वो स्पॉट किए गए। चूल्हे में चिंगारी, सर पे छत, बदन पे कपड़े, तब जिंदगी मस्त, तब समंदर पार से बोले बस सब डीएम में लड़की। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर अगेन गोइंग टू डिस्कस सम क्रेजी थ्योरीज, और ये जो थ्योरीज है ये इस बार डिवाइन के ऊपर होने वाले हैं। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, इंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, इंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। मेरी बोली से लोअर बिका दूं मैं, गोली चलेगी तो तारे दिखा दूं मैं। नशे नशे नोटी नोट, ये भाई के ग्लास में दारू है, पीते हम स्कॉच में, हिट कर स्पॉट है, तुझे अब छूना ना चाहूं मैं, ऑलवेज अ टॉप शी मॉर्निंग इट ऑल, मेरे कलम से कागज से लिखूं मैं बेच। दिस ट्रैक इज फ्रॉम एन एल्बम हरकते खराब, और आर्टिस्ट है बाइसन। और ये जो एल्बम है ये हमें मेटा क्रिटिक DHH के साइड से देखने को मिला है। तो बाइसन जो ये अपने झारखंड के ही रैपर है, मैं भाई से मिल चुका हूँ, बहुत ही टैलेंटेड रैपर है, और भाई ने एक पूरा का पूरा ड्रिल एल्बम ड्रॉप किया है। मुझे एल्बम बहुत सही लगा, और मैं तुम सबको भी सजेस्ट करूंगा जाके चेक करो एल्बम। मैंने एल्बम का स्पॉटिफाई लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है, तो तुम लिंक में क्लिक कर सकते हो, गाना स्ट्रीम कर सकते हो, और मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार देना। जेन्युइनली बहुत बढ़िया काम है, और ऐसे आर्टिस्ट सपोर्ट डिजर्व करते हैं, ठीक है, जाओ और भाई को सपोर्ट करो। सो देसी हिप हॉप के जो आर्टिस्ट है वो अपने गानों को डिफरेंट तरीके से रिलीज करते हैं। कुछ रैपर्स है वो अपने ट्रैक को एज ए सिंगल रिलीज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ रैपर्स है जो अपने ट्रैक ईपी के फॉर्म में रिलीज करते हैं। ऑन द अदर हैंड डिवाइन जो है वो एल्बम रिलीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सो इंडियन हिप हॉप या फिर देसी हिप हॉप में जो एल्बम का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, और पिछले 1-2 सालों में हमें बहुत ज्यादा नंबर पे एल्बम देखने को मिल रहा है। और अभी भी DHH के मल्टीपल ऐसे आर्टिस्ट हैं, लाइक मैं छोटे आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े रैपर्स जिनके साइड से अभी तक हमें एक भी एल्बम देखने को नहीं मिला है। क्योंकि एल्बम रिलीज करना और इंडियन हिप हॉप देसी हिप हॉप में एल्बम रिलीज करके उससे प्रॉफिट बनाना, This is not easy. इसलिए ज्यादातर DHH rappers single track release करना ज्यादा prefer करते हैं, और rarely या फिर occasionally ही हमें उनके side से album देखने को मिलता है। पर डिवाइन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिवाइन को एग्जैक्टली पता है कैसे एल्बम रिलीज करके पैसे बनाने हैं, अपने एल्बम को कैसे मार्केट करना है। That's why his focus is more on an album as compared to सिंगल्स। और अगर हम डिवाइन के पास्ट एल्बम परफॉर्मेंस को देखें तो डिवाइन की जो नंबर्स है वो यही बताती है, ही इज वेरी गुड विथ एल्बम सेल्स। डिवाइन का जो पहला एल्बम था कोहिनूर जो हमें 2019 में देखने को मिला था, उसके लिए डिवाइन को 20x प्लैटिनम सर्टिफिकेशन मिला था, और उस एल्बम के ट्रैक चल बॉम्बे को
30x प्लैटिनम सर्टिफिकेशन दिया गया था। सो अगर तुम्हें इंडियन प्लैटिनम सर्टिफिकेशन के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं बता देता हूं कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की जो सर्टिफिकेशन है और अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री की जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम करती है। सो इंडिया में प्लैटिनम एल्बम सर्टिफिकेशन के लिए 30,000 एल्बम यूनिट सेल होनी चाहिए और प्लैटिनम सिंगल के लिए 1,20,000 यूनिट सेल होनी चाहिए। सो कोहिनूर ने 6,00,000 इक्विवेलेंट यूनिट सेल की थी और चल बॉम्बे ने 3,60,000 इक्विवेलेंट यूनिट सेल की थी। उसके हिसाब से ये 20x और 30x प्लैटिनम सर्टिफाइड रिस्पेक्टिवली बने थे। पर अगर हम इसे जो अमेरिकन RIAA सर्टिफिकेशन है जो अमेरिकन रैपर को मिलता है उससे कंपेयर करें तो ये टोटली डिफरेंट है और उसकी जो काउंट है वो इससे बहुत ही डिफरेंट होती है। और अगर तुम लोग इस सर्टिफिकेशन के ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो तुम नीचे कमेंट में बता सकते हो, मैं फ्यूचर में कभी एक वीडियो बना दूंगा। और अगर हम डिवाइन के सेकंड एल्बम की बात करें पुण्य पाप, तो उस एल्बम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और वो रिलीज के साथ ही हमें न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की बिलबोर्ड में देखने को मिले थे। नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, डिवाइन जो है वो अपने गाने या फिर अपने एल्बम जो है वो लेबल को देते हैं और लेबल जो है वो डिवाइन के एल्बम से प्रॉफिट बनाती है और डिवाइन को डिवाइन का पार्ट दे दिया जाता है। सो ऐसा बोला जाता है कि हिप हॉप म्यूजिक लेबल या फिर इन जनरल जो म्यूजिक लेबल है वो आर्टिस्ट को मिसयूज करते हैं एंड म्यूजिक लेबल आर नॉट गुड फॉर द आर्टिस्ट। और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट और इंडियन आर्टिस्ट भी है जो इंडिपेंडेंटली अपने एल्बम्स रिलीज करते हैं। गिव मी माय लाइन ऑफ क्रेडिट, आई कूल, हियर्स $500,000, से लेस। And guess what? Fund the whole Chomp 2 thing. I just bought the billboard in Times Square for an hour with $60,000. Boom, right? Everything on Chomp 2, I'm using the line of credit. And then I pay $1,000 a month. I can pay $1,000 a month for the rest of my life. I don't give a... So independent reh ke album release karna ya fir gaane release karna is totally fine. Bahut sare artists karte hai. Par jo artist apne album label ke through release karte hai और उन्हें अगर सही अप्रोच पता है, सही टेक्निक पता है, जैसे इस केस में डिवाइन को वो चीज पता है, तो इन दैट केस दे कैन मेक अ गुड प्रॉफिट और वो इस चीज का प्रॉपर बेनिफिट ले सकते हैं। डिवाइन ने अपनी म्यूजिक लेबल के थ्रू प्लैटिनम सर्टिफिकेशन लिया। टाइम स्क्वायर के बिलबोर्ड में अपने पोस्टर लगवाने की जो कॉस्ट है वो अराउंड $10,000 से $22,000 होती है और डिवाइन की जो म्यूजिक लेबल है वो उनके लिए ये काम फ्री में करती है। डिवाइन को लेबल के साथ रहने की वजह से बहुत ही आसानी से बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट के कोलैबोरेशन उनके एल्बम में मिल जाते हैं। उनके गाने जो है वो इजीली प्लेलिस्ट में रैंक करते हैं। उनकी जो रिकॉर्ड लेबल है वो डिवाइन के टूर्स ऑर्गेनाइज कराती है जिसकी वजह से डिवाइन का एल्बम प्रमोट होता है, एल्बम की सेल्स बढ़ती है, जो कॉन्सर्ट में लोग आते हैं उससे प्रॉफिट होता है एंड अगेन उसके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो लेबल रखती है और कुछ हिस्सा डिवाइन को दे दिया जाता है। एंड ओवरऑल डिवाइन और उनकी म्यूजिक लेबल इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मैनेज करती हुई आ रही है डिवाइन के पिछले दो एल्बम से एंड होपफुली वो फिर से वही चीज रिपीट करने वाले हैं जब हमें डिवाइन की अपकमिंग एल्बम 2022 में देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें एल्बम के डिले की तो अगेन ये डिवाइन का इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट नहीं है। इस एल्बम में मल्टीपल ट्रैक्स होंगे, चांसेस है कि ट्रैक्स के नंबर पिछले दो एल्बम से बहुत ही ज्यादा हाई हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हमें इस एल्बम का डीलक्स वर्जन भी देखने को मिले या फिर साइड बी भी देखने को मिले। आई एम नॉट प्रिटी श्योर बट चांसेस है। हमें हाई बजट म्यूजिक वीडियोस देखने को मिलेंगे, मल्टीपल कोलैबोरेशन देखने को मिलेंगे जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिले इज नॉर्मल इन दिस केस। और अगर हम बाहर के रैपर का एग्जांपल ले ले, फॉर एग्जांपल Kendrick या फिर Eminem, तो उनकी एक एल्बम और दूसरे एल्बम के बीच का जो गैप होता है वो 4 साल 5 साल 6 साल उससे ज्यादा भी घिंच जाता है। सो डिवाइन जो है वो रिसेंटली MC Stan के साथ स्पॉट किए गए थे। अभी दुबई में डिवाइन का कॉन्सर्ट था तो वहां पे हमें डिवाइन यंगस्टर्स के साथ भी देखने को मिले। डिवाइन हमें AP Dillo के साथ भी देखने को मिले थे पिछले साल और रिसेंटली डिवाइन ने एक पोस्ट शेयर किया था जहां पे उन्होंने ये बताया था कि उनका एक कोलैबोरेशन ट्रैक सिद्धू मूसेवाला के साथ भी था उनकी अपकमिंग एल्बम में। और डिवाइन जब भी अपना एल्बम ड्रॉप करते हैं उनकी एल्बम में हमें मल्टीपल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी देखने को मिलते हैं। अगर तुम कोहिनूर उठा के देख लो या फिर तुम पुण्य पाप भी उठा के देख सकते हो। सो फॉर श्योर इस एल्बम में भी हमें मल्टीपल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखने को मिलने वाले हैं। और जैसा मैंने बोला कि पिछले 1.5 सालों में डिवाइन ने कोई भी सिंगल ट्रैक ड्रॉप नहीं किया है एक फ्री वर्स को छोड़ दे तो रिसेंटली जो भी ट्रैक डिवाइन बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो स्ट्रेट उनके
एल्बम के ट्रैक लिस्ट में ऐड हो रही है। हियर इज अ कंक्लूजन। और अगर ये नहीं हुआ डिवाइन के अपकमिंग एल्बम में तो भाई डिसअपॉइंटमेंट वाली बात हो जाएगी। सो जो भी आर्टिस्ट का अभी मैंने नाम लिए उसमें से ज्यादातर आर्टिस्ट के कोलैबोरेशन हमें डिवाइन के एल्बम में देखने को मिल सकते हैं। और ये जो एल्बम है ये एक बड़ी एल्बम होने वाली है। मिनिमम 15 ट्रैक्स तो हमें इसमें देखने को मिलेंगी और अगर 15 से कम ट्रैक्स देखने को मिलते हैं और डिवाइन भाई ने जितना इंतजार कराया है तो मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा। ओके, सो 2022 में अभी तक हमें बहुत सारे अच्छे एल्बम और प्रोजेक्ट्स देखने को मिल चुके हैं और जैसे ही डिवाइन का ये एल्बम ड्रॉप होता है फॉर श्योर दिस एल्बम विल गिव हेड टू हेड कंपटीशन टू रेस्ट ऑफ द एल्बम। सो लेट्स सी डिवाइन भाई के साइड से हमें उनके एल्बम का अनाउंसमेंट कब देखने को मिलता है और ये एल्बम ऑफिशियली कब रिलीज होती है। सो अगर तुम लोग इस एल्बम के लिए एक्साइटेड हो नीचे कमेंट में बता सकते हो और कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो भी नीचे कमेंट में बता सकते हो। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। अगर तुम इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो एंटरटेन हुए डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर चैनल को पहले से भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो और बाकी सारे लिंक भी है वो डिस्क्रिप्शन में, तो हर जगह सपोर्ट कर सकते हो, प्यार दिखा सकते हो। दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग the video. Thanks. Again.